हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। 12 मार्च को मार्केट कैसे रहेगा ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि कुछ मोमेंटम आएगा इंट्राडे में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए और जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहते हैं। और दोस्तों, जिनको भी हमारे संडे स्पेशल क्लास में आना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके डिटेल मैं यहाँ पे देता हूँ। हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का क्लासेज जो है संडे को स्टार्ट हो रहा है, एवरी संडे रहेगा और ये 2 महीने का कोर्स रहेगा। इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जो लास्ट वीक में मैंने कहा था कि निफ्टी एक बिग मूव करने वाला है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था और ये लेवल पे भी पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था, तो ये लेवल के बाहर कहीं ना कहीं तो निफ्टी एक ब्रेकआउट करेगा। तो आपको लास्ट वीक में भी एक बार देखा था और आज मंडे को भी एक अच्छा सा निफ्टी ने मूवमेंट किया है। और जैसा मैंने आपको वीकली में कहा था कि 11090 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक ब्रेकआउट होगा और अच्छा ब्रेकआउट होके मार्केट अभी 11168 के इधर खड़ा है। तो मार्केट को अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 11215 एक रेजिस्टेंस है, और मैं थोड़ा पीछे भी जाके देखता हूँ तो डायरेक्ट मुझे वही रेजिस्टेंस लग रहा है। यहाँ पे मैंने लाइन भी थोड़े कम किए, तो एक हमने जो चैनल बनाया था अपवर्ड चैनल, तो अभी लगभग ए लेवल पे वो आ रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जैसे चैनल मोस्टली ए लेवल तक निफ्टी को जाना चाहिए, लेकिन बीच में यहाँ पे निफ्टी रुक गया था, उसका अभी ब्रेकआउट भी हुआ। अभी मार्केट को जो है कि जैसे कि इलेक्शन डेट अनाउंस हो गए, उसके वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। तो मार्केट एक ये कर रहा है एंटिसिपेशन कि अगर जैसे कि मार्केट को चाहिए वैसे गवर्नमेंट आ गया तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कि ये लेवल था 1117, जैसा मैंने अपना वीकली व्यू में भी बताया था, तो यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छा बाइंग आया है। लेकिन यहाँ पे आपको चैनल का ये दिख रहा है और ऊपर 11215 का एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉशियस होना पड़ेगा। यहाँ पे कभी कभी ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रिट्रेस होके बाद में मार्केट जाता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट नर्वस होगा। तो ब्रेकआउट के बाद और एक दिन भी देखना है कि मार्केट कंटिन्यूशन करता है कि नहीं करता है, और उसके बाद 11200 जो है एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी मार्केट सस्टेंड होता है कि नहीं होता है ये देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल एक मूवमेंट अच्छा आया है और जो इलेक्शन का जो ये अनाउंस हुआ डेट, तो उसको पॉजिटिव ले रहा है मार्केट। यानी पहले कैसा होता था कि इलेक्शन के नाम से मार्केट नर्वस होता था, तो अभी अलग हुआ है, तो ऐसा लग रहा है पॉजिटिवली कि मार्केट मोस्टली ऊपर जाएगा। लेकिन आपको लेवल पे काम करना है, जो भी पैटर्न दिखते हैं जो भी लेवल दिखते हैं उसको आपको फॉलो करना है। हम लोग थोड़ा इंट्राडे में देखेंगे कि 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो देखिए कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले लेवल बताया था इसके ऊपर बाय करना है मंडे के लिए बोला था, और जो 1117 जो है ये एक इंपॉर्टेंस लेवल था। यहाँ पे देखिए इंट्राडे में भी कैसा ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन हुआ है और उसके बाद ऊपर वाले टारगेट दे दिए। अगर कल आपको निफ्टी में बाइंग जाना है तो एक ये लेवल रहेगा अपना इंट्राडे 11181, उसके बाद जो आएगा 11215 का लेवल आ सकता है। अगर कल आपको शॉर्ट जाना है, यानी कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है और मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तो ये लेवल रहेगा 11146 और उसके नीचे 11117 जो है ये लेवल आ सकता है। तो मोस्टली आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि ऊपर ही जाएगा या नीचे, लेवल पे वर्क करना है। जैसे अभी भी मैंने आपको संडे को कहा था मेरे वीकली व्यू में, अगर आप ये चार्ट देखते हो, फिर से डेली का चार्ट देखो, तो मैंने कहा था कि ए लेवल जो है कि 10994 इसके नीचे अगर गैप से क्लोज होता है तो एक नेगेटिविटी चालू हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये टॉप बनाया। लेकिन देखो आज ऊपर के लेवल पे ब्रेक किया और जो लेवल मैंने कहा था वहाँ से मोमेंटम आया। तो आपको लेवल पे ध्यान दो, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है जो इंट्राडे ट्रेडर रहेंगे उनको लेवल पे ध्यान देना है और ट्रेड करना है। तो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे। तो जैसे कि ये जो मैं लेवल डालता हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लेवल लाइन समझना नहीं है,
ये कुछ नहीं रहता है कि पहले के जो लेवल रहते हैं हाई लो या जहाँ से मार्केट ऊपर गया या नीचे गया वो लेवल रहते हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस है 27,989 का है, उसके बाद डायरेक्ट 28,194 का है। तो यहाँ से ऊपर वाला भी गैप बहुत बढ़िया है, एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाला था थोड़ा सा ओल्ड वाला ट्रेंड लाइन है, शायद इसको ये रेजिस्टेंस करेगा। और नीचे जो है कि बैंक निफ्टी वापस शॉर्ट करना है तो 27,827 का लेवल है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे परफॉर्म किया नो डाउट, लेकिन कि जब ज़्यादा ऊपर जाता तो एक एक रेजिस्टेंस आते हैं उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो जो ब्रेक होते हैं सस्टेंड होते हैं उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो जैसे कि आज जो 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 ये थे सेक्टर्स, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेटल सेक्टर है ये सबसे ये थे आगे थे। मैंने आपको कहा था जब भी मार्केट कवर होगा तो मेटल सेक्टर शायद वापस कवर होंगे, क्योंकि बीच में वो कवर हो रहे थे, 2 दिन मार्केट थोड़ा नर्वस था इसलिए वो रुक गए थे। तो मेटल स्टॉक को आप देख सकते हो। उसके बाद एनर्जी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह ऊपर आ गए उसके वजह से, और मिड कैप। तो ये जो 3 सेक्टर थे उन्होंने आज मार्केट को बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, तो उसकी वजह से मार्केट भी परफॉर्म किया है। तो मिड कैप भी अभी रैली कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखिए कि जैसा मैंने आपको कहा था कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्री परफॉर्म करता है तभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग चार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का जो था 1,248 के ऊपर मैं बोला कि जब जाएगा तो ये बड़ा मूवमेंट करेगा, और नीचे अगर 1,196 के नीचे ज़्यादा डाउन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा प्राइजेशन दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे। और जैसे ये लेवल के ऊपर जैसे ये लेवल के ऊपर निकला तो कितनी जल्दी यहाँ तक आ गया। अभी रिलायंस इंडस्ट्री में आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है यहाँ पे एक बार दो बार रेजिस्टेंस लिया है, तो तीसरी बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का चांसेस है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री 1,327 के ऊपर जाता है और क्लोज होता है तभी जाके आप उसमें लॉन्ग जा सकते हो। अभी आपको जाना है तो फिलहाल जैसे कि आज का जो हाई था उसके ऊपर अगर ट्रेड होता तो 1,327 तक आप इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें पोजिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक 1,327 के ऊपर क्लोज होता है प्राइजेशन बनाता है, शायद ये डायरेक्ट ब्रेक भी करेगा, लेकिन जब भी ब्रेक करेगा तभी एंट्री करो। तो मैंने इसलिए कोशिश की आपको कि जैसा कि मैं रिलायंस में रेगुलर ट्रेड करता हूँ, इसका चार्ट भी रीड करता हूँ और मार्केट और इसका बहुत अच्छा अच्छा रिलेशन बैठा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमने वीकली में स्टॉक में मैंने आपको बजाज ऑटो दिया था, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया इंट्राडे में। उसके बाद है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील देखिए कि जैसे मेटल स्टॉक है सब रिकवर हो रहे हैं, तो कल के लिए भी आप टाटा स्टील में ये कंटिन्यू करता है 522 के ऊपर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद एक नजदीक वाला रेजिस्टेंस है 525, अगर ये 525 निकलता है कल भी तो यहाँ पे अच्छा एक मूवमेंट देगा, तो इसके ऊपर आप इंट्राडे में कल ध्यान दे सकते हो। उसके बाद एमएनएम, तो मैंने एमएनएम भी बताया था, तो एमएनएम ने भी देखो अच्छा परफॉर्म किया। और अभी ये जो है कि उसका नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करता है तो और भी मोमेंटम आ सकता है। कल के लिए भी आप इसको इंट्राडे दे सकते हो, जो इसका हाई है 684 के ऊपर उसको ट्रेड कर सकते हो। सामने थोड़ा ट्रेंड लाइन देखना, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो और एक मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद मैंने IDFC फर्स्ट सोर्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो पैटर्न बन रहा है और जो ये लेवल था एक कैंडल था उसके ऊपर ये अगर जाता है तो और एक मोमेंटम आएगा, और इसमें अभी मोमेंटम और भी बाकी है 51-51 के इधर आ सकता है, इसके ऊपर क्लोज देगा तो अच्छा मोमेंटम कर सकता है। कल इंट्राडे में आज के हाई के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, तो इसका भी देखो अच्छा इंट्राडे में भी प्रॉफिट हो सकता था। उसके बाद है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में देखते हैं हम लोग कि एक्सिस बैंक ने एक मोमेंटम दिया था इंट्राडे में और एक प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो टिका नहीं, तो कल इसको इंट्राडे में नहीं ले सकते, या तो फिर आपको इसको ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि थोड़ा ऊपर जाने का ये आता सेलिंग। इंट्राडे में अगर मॉर्निंग में बाय करते तो इंट्राडे में आपको एक मोमेंटम मिल सकता था। उसके बाद है हिंडाल्को। तो देखिए हिंडाल्को है कि वापस रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको वीकली में इसका ये भी देखा था ट्रेंड लाइन। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेटल के स्टॉक जो है कि एक सपोर्ट लेके वापस रिवर्स करने के
इसमें दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है कि 204 के ऊपर अगर इंट्राडे में भी जाएंगा तो इसमें आपका एक मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल हाई के ऊपर आप बाय करते तो इतना है रेजिस्टेंस है, तो 204 के करेंगे ऊपर करेंगे तो एक मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद कि मैं कल के लिए आपको स्टॉक बताता हूँ, जैसे कि जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसमें ये जो है कि बीपीसीएल, तो बीपीसीएल का हम लोग चार्ट देखते हैं। तो बीपीसीएल का चार्ट यानी कि वो 5 टक का ऑलरेडी मोमेंटम किया है, लेकिन ये मोमेंटम का अगर कल भी फॉलोअप करता है तो आप इसको 388.58 के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट जो टारगेट है 399 का टारगेट उसका आ सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में जो है कि एक मोमेंटम आ रहा है, तो अभी तक ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया है कोटक बैंक ने, तो अगर ये कल यहाँ पे आज का हाई ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम आ सकता है इसमें। 254.95 का अगर ब्रेक करता है तो 267 तक ये जा सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट से ही एक कवर हो रहा है और आज एक अच्छा मोमेंटम वाला कैंडल बता दिया। उसके बाद है इंडस बैंक के बारे में मैं देखता हूँ। तो इंडस बैंक का मैंने एक चैनल बनाया था, बहुत दिन से मैं ये चैनल फॉलोअप कर रहा हूँ। अभी ये 4 दिन गिरने के बाद एक इसने थोड़ा सा बाइंग प्रेशर कैंडल बनाया जो हैमर हम बोलते हैं। अगर वो 1525 के ऊपर अगर कल मोमेंटम करता है तो आपका एक मोमेंटम यहाँ तक मिल सकता है चैनल तक, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद है हिंद पेट्रो। तो देखिए जैसा कि ए बी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल जैसा, और इसने एक मल्टीपल जो रेसिस्टेंस था उसको आज ब्रेक किया है, तो आज ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अब कल अगर ये मोमेंटम करता है तो आपको जो है कि 266.42 के ऊपर एक मोमेंटम मिल सकता है इंट्राडे के लिए। उसके बाद मैंने आपके साथ जो मिड कैप भी बहुत आज भर गए थे, तो निफ्टी के छोड़ के जो स्टॉक्स हैं जैसे कि मदर सुमी, इसने एक ब्रेकआउट किया। यहाँ पे से आप देखोगे तो एक लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन था, ये जो था ये सब ट्रेंड लाइन है, ये जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन उसने आज ब्रेक किया है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद और भी एक दिन वो ब्रेकआउट करेगा तो उसमें पोजिशनल ले सकते हैं, और इंट्राडे करना है तो 173 के ऊपर आप उसमें बाइंग कर सकते हो इंट्राडे के लिए। और कल भी एक ग्रीन कैंडल आता तो पोजिशनल भी इसमें एंट्री कर सकते हो। उसके बाद है भारत फोर्ज। तो जैसे कि इसने भी एक ब्रेकआउट अच्छा किया है और एक नज़दीक का रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है। अगर कल ये 537.38 के ऊपर मोमेंटम करता है तो आप इसमें इंट्राडे कर सकते हो। उसके बाद और एक छोटा कंपनी अशोक लेलैंड जो है, इसमें अच्छा मोमेंटम आ रहा है और नज़दीक वाला है हाई था उसको उसने ब्रेक किया है, तो आपको कल इंट्राडे चाहिए तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो 9363 के ऊपर। तो ऊपर वाले जो टारगेट जो है यहाँ पे आप देखोगे तो 95 तक का एक टारगेट आ सकता है, वो ब्रेक करता है तो ऊपर वाले जो टारगेट है 9653 तक ये आ सकता है। तो आज तो मार्केट बहुत ही पॉजिटिव था, तो बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे, लेकिन क्या है कि आपको लेवल पे ट्रेड करना है। और एक औरो फार्मा है, एमी में थोड़ा शेयर करता हूँ आपके पास। तो औरो फार्मा के भी एक अच्छा सा एक फॉर्मेशन बन रहा है, छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और उसके ऊपर वो क्लोज हो गया है। तो अगर कल आपको कि 752.50 के ऊपर मिलता है इसको आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों मैंने जैसे बताया कि आज एक मार्केट में मूवमेंट हुआ 132 पॉइंट प्लस हुआ, और जैसे कि इलेक्शन का डेट्स वगैरह रिलीज हुए उसका भी इम्पैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिविटी रहता है, तो ऐसा नहीं कि कल भी ये रहेगा। तो अगर मार्केट पॉजिटिव है तो जो जिसने भी बाइंग के कॉल बताए वो आप एग्जीक्यूट करना और प्राइस एक्शन पे करना। और जैसे मैं बताता हूँ वैसे नहीं कि मार्केट ऐसे चलेगा कि आपको ट्रेड करना, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह भी लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों हमारा संडे से नया बैच चालू हो रहा है 17 मार्च से, तो उसके मैं डिटेल यहाँ पे देता हूँ, आपको उसमें शामिल होना है। एवरी संडे रहेगा 10 से 1 बजे तक, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरे भी जो हमारे रेगुलर क्लास रहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके भी डिटेल मैं यहाँ पे देता हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए, और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।